साथियों, ये दुखद वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि शहीद मनोज भाटी के बड़े भैया जब इनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पहुँचा तो किस प्रकार से अपने परिवारजनों से लिपट कर रोने लगे और एक बार की तो वे बेहोश भी हो गए। एक दुख ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम वीडियो में देख सकते हैं, ये दुख किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। सभी की आंखें नम हैं, माहौल गमगीन है। आज इनका पार्थिव शरीर सेना के विशेष वाहन से इनके पैतृक गांव लाया गया था। शहीद मनोज भाटी का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा जब पहुंचा, आप देख सकते हैं शहीद के भाई को सेना की वर्दी पहने हुए हैं, वो भी सेना में भारत माता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अपने भाई की शहादत की खबर सुन के उन्होंने भी होशोहवास खो दिया और वे जिस भाई के साथ में पड़े बड़े हुए उसी भाई ने देश का नाम रोशन करते हुए वीरगति को प्राप्त किया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इनके पार्थिव को शमशान घाट ले जाया गया जहां सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद के पार्थिव को सम्मानित किया गया। शहीद के पार्थिव पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। दुखद वीडियो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। साथियों, आपसे मेरी एक ही अपील रहेगी, आप शहीदों से जुड़ी अपडेट के लिए अपर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के रहने वाले भारतीय सेना के राइफलमैन शहीद मनोज भाटी का यह पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान ले आया गया था। शहीद को अंतिम सलामी दी जा रही है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीर बलिदानियों को सत सत नमन।